Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports. अगर तुम बाज ना आई, तुम्हारे सारे मोहल्ले में मैं शोर मचाऊंगी, बताऊंगी तुम्हारे कारनामों का लोगों को कि किस तरह तुम शादीशुदा मर्दों को फंसाती हो, उनके साथ आशिकी के गुल खिलाती हो। ओके, मैं आता हूँ। क्या? नताशा के डैड को हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन बकवास की उसने मेरे डैड के सामने क्या कुछ नहीं बोला कि मेरा और इनके साथ का अफेयर चल रहा है। तुम चाहती क्या हो बेबी? तुम्हारी वजह से सबकी जिंदगी, सबका जीना आराम हुआ हुआ है। पहले इंतजार के पीछे पड़ गई, फिर घर भेज दिया। इन सब चीजों से दिल नहीं भरा तो नताशा के डैड की जिंदगी लेना चाहती हो तुम। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है फहद जितना तुम्हें लग रहा है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। तुम खुद ही तो कहती हो रेहान को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, फिर वो तुम पे किस चीज की पाबंदियां लगाता। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है और यह हक तुमसे वो नहीं छीन सकता। कुदरत तुम्हें अब एक मौका दे रही है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। मम्मा, आज आप मुझे होमवर्क कराएंगे प्लीज? मैं कोई होमवर्क नहीं करवा रही, जाके अपने बाबा से करो। प्लीज ना आप मुझे होमवर्क कराएं प्लीज। मैंने कहा ना, जाके अपने बाबा से करो। जिसको देखो मेरे पीछे ही पड़ जाता है। मम्मा प्लीज, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी मम्मा प्लीज। ये क्या किया तुमने? अरीमा, बाबा मेरा जान मुझको नहीं गिराया था, मैं तो गलती हो गई बाबा, मैं जान मुझको नहीं गिराया था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हरकत है? नूर पर हाथ उठाया तुमने। हाथों हाथ उठा लिया तो कोई कयामत नहीं आ गई। बदतमीजी करेगी तो मार ही खाएगी। बाबा आपसे होमवर्क कराएंगे। बस चल। देख रहा हूं मैं, तुम्हें औरों के जज्बात और एहसासात की कोई कदर नहीं रही। जबरदस्ती के रिश्ते निभाने भाके तंग आ चुकी हूं मैं। साल बाद तुम्हें ये जबरदस्ती के रिश्ते लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं जबरदस्ती के रिश्ते। पागल हो गई हूँ मैं, परेशान हो गई हूँ। आजाद लगने लगी आपकी बेटी। दिल करता है गला घोट दो इन सब रिश्तों। मेरी बेटी का गला घोंटोगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रीबा, रीबा उठो, चलो कमरे में चलो। जानता हूँ तुम जाग रही हो, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जानती हो ना मैं नूर को लेकर कितना पजेसिव हूँ। प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत किया करो। मासूम सी बच्ची है वो, उससे ज़्यादा वो तुमसे मोहब्बत करती है। चलो उठो। देखो मम्मी देखेंगी तुम्हें यहाँ पर, तुम परेशान हो जाएंगी। रेहान चले जाएं यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि आधी रात को शोर शराबा करूं और आपकी अम्मी परेशान हो जाएं। अरीबा का तो मिजाज ही नहीं मिलते हैं आज का, ना घर के कामों में कोई तवज्जो देती है, और तो और अब रेहान से भी सीधे मुंह कोई बात नहीं करती। तो अम्मी अपने अरीबा से पूछा नहीं है कि वो ये सब क्यों कर रही है? कोई तो वजह होगी ना। अरे बेटा एक बार नहीं 1000 बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन वो ढंग से जवाब ही नहीं देती। जब पूछो आगे से लड़ाई और झगड़ा शुरू कर देती है। मारिया ये घर के सारे काम तो आहिस्ता आहिस्ता मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन सच्ची मुझे नूर बेचारी पे बड़ा तरस आता है। तो जानते हैं वो बेचारी छोटी बच्ची है, उसको क्या पता इन सारी बातों के बारे में। वो बेचारी तो अरीबा को अपनी अम्मी समझती है ना। सही कह रही हो, मेरी मासूम बच्ची मामा मामा करते हुए अरीबा के आगे पीछे फिरती रहती है, और वो उसे मुँह तक नहीं लगाती है। तुम्हें पता है बात पे बात झड़क देती है उसे, और कल तो गुस्से में थप्पड़ ही मार दिया नूर को। अरीबा ने नूर को थप्पड़ मारा? यही तो बता रही हूँ तुम्हें कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। लेकिन नूर बेचारी वो तो डर कर रह गई है। कल मैंने उसे कमरे में घुट घुट कर रोते हुए देखा है, मेरा तो दिल ही कट गया। मेरी बात सुने, आप एक काम करें, आप नूर को लेके मेरे घर आ जाए। हम लोग रात का खाना एक साथ खाएंगे, इसी बहाने नूर का दिल भी बहल जाएगा, है ना? हाँ बेटा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो बच्ची तो सहम कर रह जाएगी। अच्छा मैं रेहान से बात करती हूँ कि हमें ले चले तुम्हारी तरफ। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी अम्मी। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छी हो गई छोटा नाटा, सब ठीक है, और मैं हूँ तुम्हारे साथ। दोनों मिल के फेस करेंगे ना, और दोस्त और इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे के साथ मुसीबत में खड़े रहें। देखो तुम खुश होना तो बस यही मैटर करता है, और देखो जिंदगी में खुशी गम मुश्किलात तो आती रहती। मैं इन तारीफों का हकदार भी नहीं, बल्कि उल्टा मेरा फर्ज था। तुम्हारे अबू भी मेरे अबू की तरह हैं। बेबी जी लो आपकी कॉफी। हाँ बेबी जी, बड़े साहब की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, बस 2-3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ जाएंगे। बेबी जी आप और बड़े साहब बहुत अच्छे हैं। मेरे दिल से हमेशा आप लोगों के लिए दुआ निकलती हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बड़े साहब को सेहत दे। आमीन। शुक्रिया। अमर को ये रखो, अपने बच्चों के लिए कुछ दे देना। बहुत शुक्रिया। जी कर लो। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। क्या पक रहा है? क्या दावत है किसी की? मारिया, तुमसे पूछ रही हूँ। दावत नहीं है, सिर्फ मेरे अम्मी और भाई यहाँ पर खाने के लिए आ रहे हैं, कुछ नहीं। ये कहूँ ना कि मैके वालों के लिए एहतमाम किया जा रहा है। मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। आपने जिस तरह मुझ पे अम्मी के सामने इल्जामात लगाए ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन खुदा उस चीज़ का आपसे ज़रूर बदला लेंगे। आपने तो अम्मी के सामने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। तो बद्दुआ दे रही हो तुम मुझे? इस वक्त आपको बदलाव की नहीं बल्कि दुआओं की ज़रूरत है। समझ आए ना कि ये बहुत बेहतर होगा। क्या देख रही हो? हाँ, काम में दिल नहीं लगता तुम्हारा? नहीं लगता ना तो बता दो, क्योंकि इस घर में मुलाजमों की कमी नहीं है, समझी? नहीं बेबी बाजी, मैं तो काम कर रही थी। बकवास बंद करो। मसला यही है, यहाँ पर औकात से ज्यादा इज्जत मिल जाए ना तो लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। Yeah, Father. Don't worry. I know. We will get this done. हाँ. Okay. Yes. आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जाइए आप, हम आज ही टेंडर जमा कराएंगे। Don't worry. Okay, I'll see you. Bye. कितने पुरसुकून हो तुम मस्जिद। तुम सब मेरी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करके कितने इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। मैं भी नहीं छोड़ूंगी, एक एक से बदला लूँगी। आई तैबा तौबा अम्मी, दिन ब दिन आपके पैर पे सोलन आती जा रही है, पूरा टखना सूझ रहा है आपका। तवज्जो नहीं देती ना आप अपने ऊपर। भैया मैं तकलीफ तो हो रही थी, हमने सोचा खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे? डॉक्टर को दिखाएं, मुझे तो लगता है कोई मसला हो गया है। कैसा मसला? अरे भाई देखिए, ऐसे सूझ रही है। अब इस चोट को लगे आपको 2-3 दिन तो गुजर ही गए। लग रहा है कि हड्डी का मामला है, खराब ना हो जाए। आप डॉक्टर को दिखाइए। अरे लाना करे बेबी, अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं डराओ तो नहीं? डरा नहीं रही, ठीक कह रहे हैं हम। आपको वैसे तो उस दिन डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। इस उम्र में हड्डी का कोई मसला हो गया तो ठीक होने में भी बहुत मुश्किल होती है, इतनी जल्दी सही नहीं होता। अभी भी कहती हूँ चली जाइए डॉक्टर के पास, रिस्क मत लीजिए। अरे माजिद मियां, बेटा इधर आइए, हमारी बात सुनिए। जी अम्मी। अरे बेटा हमें ना डॉक्टर के यहाँ ले चलो। वे देखो हमारे पाँव पे कैसी स्वेलिंग हो रही है, हमसे चला भी नहीं जा रहा। मुझे देर हो रही थी। अच्छा चल, मैं आपको ले जाऊँ। 1 मिनट। फात, या मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कुछ कह नहीं सकता, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ, अगर ज़्यादा देर हो जाए तो तुम घर आ जाना, हमें वो काम आज करने। ओके ओके बाय। चले आए बाय। बस अब वो थक गई हैं। खेले ना। नूर बेटा, पुप्पू की तबीयत नहीं ठीक है ना? अब मेरी जान आप खुद खेलो। ओके। सच मारिया, मैंने आज नूर को बहुत दिनों के बाद ऐसे खुश देखा है। इसलिए तो आपसे कहती हूँ कि आप नूर को यहाँ लेके आ जाया करें। देखें वो भी कितनी खुश है और मेरा दिल भी बहला रहेगा। बेटा तुम जानती तो हो मैं कहाँ रोज रोज घर से निकलती हूँ। तो क्या हुआ, भाई के हाथ भेज दिया करें इसे। नूर को इसलिए भी मैं तुम्हारे पास नहीं भेजती कि अरीबा बुरा ना मान जाए। तुम जानती तो हो उसके मिजाज का पता ही नहीं चलता, कब कौन सी बात उसे अच्छी लग जाए और कब कौन सी बात बुरी। कोई बात नहीं है, कुछ टाइम की बात है, वो आप देखिएगा खुद ठीक हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारी सास की तबीयत कैसी है अब? वो मैंने आपको बताया था ना कि अम्मी के पाँव पर मोच आई हुई है, बस अभी डॉक्टर के पास से वापस आई है और आराम कर रही है ऊपर। अभी उनसे भी मुलाकात करने तुम्हें। ठीक है। अब आपके पाँव की तकलीफ कैसी है? अल्लाह का शुक्र है अब तो हम ठीक हैं। हम तो डर ही गए थे लेकिन शुक्र है सारे एक्सरे ठीक आए हैं, हड्डी को कुछ नहीं हुआ। तो बहुत अच्छी बात है कि हड्डी बच गई और आपने डॉक्टर को भी दिखा दिया, इससे दिल को इत्मीनान हो गया होगा। साफ़ साफ़ आए आपसे मिलने। ठीक है, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। ड्राइंग रूम में क्यों? यही बुला लो उन्हें, कोई गैर थोड़ी हूँ। ओके जाओ बुला लो। ठीक। बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए खाने पे। हम तो मारिया को कहते रहते हैं कि अपने घर वालों को बुलाया करो, सब इकट्ठे होते हैं तो रौनक हो जाती है। आंटी मारिया तो कहती रहती है मुझे, बस मैं ही बिजी होता हूँ और अम्मी मेरे बगैर कहीं बाहर जाती नहीं। ये तो है भाई, माँ बाप का सहारा तो औलाद ही होती है ना। भाई तुम्हारी बेगम कहाँ है, उसको क्यों नहीं लेकर आए? बस सरारीपा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा कि वो आराम कर ले। आर्या तुम भी ना वैसे हद करती हो, तुमने बताया ही नहीं अजद को। हाँ कि फहद तुम्हारा छुपा के बैठे जैसे कोई ज़माना। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ क्यों खड़े हो? आओ आप ज्वाइन अस। मुझे लगता है कि हमें ड्राइंग रूम में जमकर बात कर लेनी चाहिए। अरे फहद भाई खाना लगा हुआ है, आए हमारे साथ बैठकर खाएं ना, मारिया ने बनाया है सब कुछ। आइए। नहीं मैं खाना खाकर आया हूँ, मेरा ख्याल है थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है। ठीक है हम ड्राइंग रूम में चल। ये अनकंफर्टेबल क्यों होगा? फहद इन लोगों के लिए कोई गैर थोड़ी। भाई फहद तो रिश्तेदार है इनका, क्यों मारिया? ठीक कह रही हो ना मैं? लो भाई आर्या, तुम भी ना वैसे हद करती हो। तुमने बताया ही नहीं अजद को, हाँ, कि वहां तुम्हारा कजिन है। हाँ, जी बिल्कुल। मुझे ना तो बड़ी हैरत हो रही है इस बात की कि मारिया के घर वालों ने फात वाली बात हमसे छुपाई, इतनी बड़ी बात। दूर पर एक सही है तो कजन ही ना, और चलो मारिया के घर वालों को तो रहने ही दो, मारिया को तो तुम्हें बताना ही चाहिए था ना। बीवी है तुम्हारी, और बीवियां तो अपने शोहरों से हर छोटी बड़ी बात शेयर करती हैं। हैरत है मारिया ने कुछ बताया क्यों नहीं इस बारे में। और फहद तो कई मरतबा इस घर आया, उसने भी नहीं बताया कुछ। याद है अच्छा तुम्हें जब वानिया की सालगिरह थी, फहद को बुलाया था, मारिया के घर वाले भी आए थे। उन्होंने जाहिर देखा होगा उसको, तो पता चला ही होगा ना कि भाई कौन है इज्जत का पार्टनर है। उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम उसके साथ बिजनेस कर रहे हो, और खुशी खुशी बताना चाहिए था कि उनका कजन है। भाई तुम्हें कैसे पता ये सब, और अगर पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भाई, मुझे उसकी दोस्त अपनी भाभी हरीबा ने बताया मुझे। भाई जमीर जाग गया होगा ना उसका, भाई बाकी है उसके घर वालों को तो कोई तौफीक नहीं। अब जरूर कोई और बात है, कुछ तो है, और बात जरूर है जो इन लोगों ने छुपाई। तो लगता है इसके पीछे कोई राज है जो मारिया और उसके घर वालों ने ये राज छुपा के रखा। कैसा राज? मुझे क्या पता है? हमारी बीवी से पूछो ना, जाने और क्या क्या बातें छुपाई हूँ। तो परेशान हो गए, दिमाग घूम गया मेरा। अरे अब क्यों परेशान हो रही हो? अरे भाई तुम्हें तो ये बात इज्जत को पहले बता देनी चाहिए थी। पहले तुमने गलती की, और अब तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी ये बड़ी गलती हो गई है उससे। बेटा तुम्हें यहाँ कोई मौका देकर असजद को बता देना चाहिए था। अभी तो असजद मियाँ को सिर्फ इतना पता है कि फहद तुम्हारे रिश्तेदार है। भैया हमें तो ये डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर उन्हें ये पता चल गया कि ऐसे ही तुम्हारा निकाह हुआ था, तो अल्लाह ना करे कभी पता चले। अच्छा तुम परेशान ना हो। अम्मी मैं एक काम करती हूँ कि अर्शद को सब कुछ सच बता देती हूँ। क्या कह रही हो? मैं नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। मम्मी, अगर कल कला को, इज्जत को कहीं और से ये बात पता चलेगी तो मैं वो सिचुएशन कैसे हैंडल करूँगी? इससे बेहतर ये कि इज्जत को मैं खुद सब कुछ बता देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आखिरकार सब कुछ मुझे ही फेस करना है ना, तो कर लूँगी मैं। देखो बेटा, अगर बात सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी की होती ना तो हम तुम्हें मना ना करते, लेकिन अब तुम्हारे साथ एक ज़िंदगी और जुड़ी है। तुम माँ बनने वाली हो, अपने बारे में ना सही, अपने बच्चे का तो सोचो। अल्लाह ना करे अगर हसरत में आने गुस्से में आकर कोई फैसला करती है तो। हम बच्चे के लिए माँ बाप दोनों बहुत अहम होते हैं। माँ जब बाप में से किसी एक के साथ जब बच्चा रहता है ना, तो उसकी शख्सियत में बहुत सी कमियाँ रह जाती हैं। बेटा, तुम अपना घर खराब मत करो। लेकिन अम्मी, अगर अशरफ को फहद के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा? जब तक तुम खैर से फारिग नहीं हो जाती ना, कोशिश करो कि ऐसा ना, किसी भी तरह किसी भी बहाने ये छुपा। बच्चा होने के बाद हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। समझ रही हो ना हमारी बात? आप परेशान ना हो। ऐसी हालत में ना तुम्हारा परेशान होना ठीक नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। आर्या, तुमने मुझे बताया नहीं फहद तुम्हारा कजन है? वो मैंने असल में जरूरी नहीं समझा। क्या मतलब जरूरी नहीं समझा? वो अच्छी तरह जानते हो मेरा बिजनेस पार्टनर है, और तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम लोगों की आपस में रिश्तेदारी है? और उसने भी मुझे नहीं बताया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हमारे और फहद के घर वालों के बीच में प्रॉपर्टी को लेके बहुत बड़ा झगड़ा है, और अब मैं आपको क्या बात बताती जिनके घर आना जाना ही नहीं है, तो मैं क्या बताती आपको, इसलिए नहीं बताया। सिर्फ ऐसा क्या हो गया तुम लोगों के ख़ानदानों के बीच में जो ताल्लुकात बिल्कुल ही ख़त्म हो गए? क्या हो गया? नहीं बताया तो कौन सा मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? आपने तो अदालत ही लगा दी है। इतना चिढ़ क्यों रही हो तुम? मैं चिढ़ नहीं रही हूँ। जब आप लोगों ने मुझे मामू और उनके घर वालों के बारे में नहीं बताया था तो क्या मैंने इस तरह रिएक्ट करके आपसे पूछा था? नहीं ना। और खानदानी झगड़ों में ऐसा होता है अशरफ, अब हर बार हद होती है। वैसे मेरे रब, मेरा घर एक तिनके के सहारे पर है। तू जानता है कि मैं बददियानत नहीं, गुनाहगार नहीं, इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं इस चीज़ से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन तू तो मेरी मजबूरी से वाकिफ है ना। यार, अब एक तू ही है जो सिर्फ मेरा पर्दा रख सकता है। प्लीज़ मुझ पर रहम फरमाएं, मेरे लिए जो बेहतर है वो ही करें। मारिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे साथ मसला क्या है? क्यों मुझे तुम फोन कर रहे हो? चाहते क्या हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी अजाब करने पे लगे हुए हो तुम? मारिया, मेरा हरगिज़ मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हारे घर वाले वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए होंगे। प्लीज ये ड्रामे किसी और के आगे करना और झूठ तो बोलना ही मत। तुम अच्छे तरीके से जानते थे कि घर पे सारे लोग होंगे, इसीलिए तुमने जानबूझ के मेरे और असरत के बीच में ये खोट डलवाने की कोशिश की है ना। मारिया, मैं तुम्हें जिंदगी में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और अब मैं ये सब कुछ नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें फिर किसी अजियत से गुजरना पड़े। तुम्हें नहीं पता कि मैं खुद भी कितना परेशान हूँ। खुदा के लिए बेवकूफ़ किसी और को बनाना, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। सच बात तो ये कि तुमने असद के साथ पार्टनरशिप इसलिए की थी ताकि तुम मेरी जिंदगी में आ सको और कुछ नहीं। तुम तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते हो। तुमसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं अपनी जिंदगी में सेटल कैसे हो गई हूँ। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मारिया, मेरा यकीन करो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? आहत समझने की ज़रूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। तुम एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो, लेकिन अब फिर से नहीं। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर चले जाओ तुम। मारिया, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असल में मुझे नींद नहीं आ रही थी और दिल घबरा रहा था तो बाहर आ गई हूँ थोड़ी देर। तबीयत ठीक है तुम्हारे? ठीक है। कमरे में नहीं थी इसलिए मैं देखने आ गया। चलो सोने आ। आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही हो अंबर। तुम्हें कैसे पता ये ग्रीन कलर मेरा फेवरेट है? मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है अर्शद। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। ये तो है, इसीलिए तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या कह रही हो रीबा? रेहान ने तुम्हें थप्पड़ मारा है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रेहान मुझ पे हाथ भी उठा सकते हैं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसको क्या लगता है कि तुम्हारे वालिदैन यहाँ पे नहीं है तो उसका जो दिल चाहेगा वो करेगा? उसे तुम्हारा ज़रा भी एहसास नहीं है रीबा। ठीक कह रहे हो तुम, रेहान को मेरा ज़रा भी एहसास नहीं है। उन्हें सिर्फ मेरी बातों पर ही गुस्सा आता है। मेरी कोई गलती, मेरी कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होती उनसे। तो तुम क्यों रह रही हो इतने टॉक्सिक रिलेशन में? अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेती? तो मैं कहाँ जाऊँ? तुम जानते हो मेरे पेरेंट्स बाहर रहते हैं और अब वो हमेशा रेहान को सपोर्ट करते हैं। वो मुझे कभी भी वहाँ नहीं बुलाएंगे। हाँ, लेकिन तुम एक काम तो कर सकती हो ना। तुम जब तक वहाँ पे हो तुम क्यों उन घर वालों के और उसके काम कर रही हो? तुम क्यों ऐसी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हो जो तुम्हारी नहीं है रीबा? तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन तुम उस कमरे से तो बाहर आ सकती हो ना। एटलीस्ट तुम्हें उसकी शक्ल देखना तो नहीं पड़ेगी ना। ठीक कह रहे हो तुम। बस बहुत ले लिया मुझे फॉर ग्रांटेड इन लोगों ने, अब और नहीं। रीबा, मेरा बस नहीं चल रहा। जिसने तुम पर हाथ उठाया मैं तो उसके हाथ ही तोड़ कर रख दूँ। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? इससे भी कहीं ज़्यादा। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती हो। किसी के लिए तो अहम। तुम बहुत अच्छी हो। ये तो रेहान बदकिस्मत है जो तुम्हें उस तरह से देख नहीं पाया और तुम्हारी कदर नहीं कर सका। तुम्हें कोई कमी नहीं आ रही बा, काश तुम मेरी ज़िंदगी में होते, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देता, तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। बाद मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। मुझे इंतज़ार है इस दिन का जब तुम फैसला कर लोगी। तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे बात करके मेरे दिल का गम हल्का हो जाता है, एक सुकून सा मिलता है, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ जो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है। सुने आप अंबर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखें, आखिर उसे हम घर में इस तरह बिठा के कब तक रखेंगे? कहती तो तुम ठीक हो, बड़ी फिक्र होती है अंबर की। मैंने कहा है एक दो दोस्तों से अंबर के रिश्ते के लिए, देखो इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे तो आजकल कुंवारी लड़कियों के रिश्ते मिलना इतना मुश्किल होता है, ताकि हमारी अंबर तो। सईदा, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। बस पता नहीं क्यों कभी कभी ये सोचती हूँ कि हमने जज्बात में आके ना अंबर की शादी बहुत जल्दी कर दी। घर में आपा का कहना मान लेती और थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते तो आज अंबर इज्जत के साथ कितना खुश होती। क्यों इन बिला वजह की पुरानी बातें लेकर बैठ गई। ऐसे दिल दुखी हो जाता है, पछताती हूँ अपने किए पर। अम्मी मैं जा रही हूँ ऑफिस। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज तो माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, ऐसे ही हंसती रहा करो बेटी, बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है अबू, मैं चलती हूँ। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। हाफिज़। आज कितने दिन बाद अंबर के चेहरे पे इतनी खुशी दिखी है। अल्लाह मेरी बेटी की खुशियों को ऐसी सलामत रखे। आमीन आमीन। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive, only on A Sports.